इस कमीने को खत्म करने का वक्त आ गया। हेलो गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज अदनान शकील एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये मेरे चैनल का सबसे पहला व्लॉग है जो कि होने वाला है एवेंजर्स एंड गेम के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि मैं हिंदी में ट्रेलर्स डब करता हूँ, और वो भी जो करता हूँ वो रहते हैं सुपर हीरोज रिलेटेड ट्रेलर्स मैं करता हूँ ज़्यादातर। जैसे कि काफ़ी चॉइसेस हैं, जैसे मैं एनिमेशन ट्राई कर सकता हूँ, मैं साउथ डब कर सकता हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मार्वल रिलेटेड स्टफ़ या फिर सुपर हीरो रिलेटेड स्टफ़ जिसे मैं कहूँ उसे डब करता हूँ। तो मेरा जो चैनल है वो एक टाइप ऑफ सुपर हीरो रिलेटेड टाइप है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता कि बेसिकली अदनान शकील है कौन। वो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, वो लोग मेरी डब वीडियोस देखते हैं, लेकिन उन्हें असल में पता नहीं है कि अदनान शकील है कौन। बेसिकली उस कैरेक्टर के पीछे जो आवाज़ वो देता है उसमें उसने कास्टिंग में अपना नाम तो लिख रखा है, उसके चैनल पर उसका नाम तो है, लेकिन वो अपना चेहरा नहीं दिखाता वो असल में है कौन। तो जैसे कि पिछले जो जोकर वाला ट्रेलर था उसके अंदर मैंने मेरा दूसरा वीडियो था जिसमें मैंने फेस कैम वीडियो किया था, और उसमें मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि ये शायद तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इससे पहले मैं Q&A कर चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। उसके अंदर अगर आप एक वॉइस एक्टर बनना चाहते हैं और आपके अंदर भी, जैसे काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी आवाज़ ऐसी कैसी, आपकी एज पर आपकी आवाज़ सूट नहीं करती है, आपकी आवाज़ काफ़ी भारी है, आप एडिटिंग कैसे करते हो, ये सब चीज़ें जो हैं उन सबके जो जवाब हैं वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो वो मेरा जो फर्स्ट Q&A है जो कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हिट कर रहे थे मैंने तब बनाया था, तो जो उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डू चेकआउट। तो जो आज का व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है हमारा एवेंजर्स एंड गेम पे, जो कि 26 तारीख को रिलीज हो चुकी है, लेकिन आज 28 है। ये थर्ड डे है, थर्ड डे फर्स्ट शो मैंने लिया है जो कि मैं जाऊंगा EDM गाजियाबाद देखने इस मूवी को। तो सबसे बड़ा रीजन कि मैंने ये मतलब थर्ड डे फर्स्ट शो लिया, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो भी ले सकता था, लेकिन आप सबको बताइए कि इस मूवी की टिकट्स मिलना नामुमकिन था। मतलब एक तो जैसे कि आपको बताया मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी स्टूडेंट लाइफ है, तो स्कूल भी रहता है, ऊपर से जो संडे है वो मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगा अपने हिसाब से। मतलब मेरे पास ना कोई ट्यूशन ना कोई क्लासेज ऐसा करके, तो काफ़ी मैं मूवी इंजॉय भी कर सकता हूँ, किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं हो सकती है। मैं जाऊँगा इंजॉय करके आऊँगा और फिर आपको थोड़ा सा रिव्यू भी दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ कि मैंने ये थर्ड डे फर्स्ट शो क्यों लिया, तो मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो ले सकता था, लेकिन आपको पता है कि इसकी जो टिकट्स थी वो सारी फुल हो चुकी थी, मतलब सारी बुक्स प्री बुक हो चुकी थी थैंक्स टू बुक माई शो, कि काफ़ी सारे लोग घर पे बैठे बैठे बुक कर देते हैं, चाहे उन्हें ऑनलाइन चार्जेस देने क्यों ना पड़े, एंड ऑफ कोर्स वो देंगे क्योंकि एक मार्वल की मूवी है और जो मार्वल का क्रेज है वो बहुत तगड़ा है लोगों के अंदर, मेरे अंदर भी काफ़ी तगड़ा है। बल्कि अभी जो मैं यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, मतलब जिसपे मैं कर रहा हूँ अपना करियर, जैसा मैं एज अ वॉइस एक्टर मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तो उसका सबसे पहला रीज़न यही है कि मैं मार्वल मूवीज़ को देखकर ही इंस्पायर हुआ था। मैं मार्वल मूवीज़ देख के इतना इंस्पायर हुआ, और सबसे पहले जो मैंने डबिंग स्टार्ट करी थी वो मैंने स्टार्ट ही मार्वल मूवीज़ को देख के करी थी, एंड जो सीन प्रैक्टिस करे थे वो भी मैंने मार्वल मूवीज़ को देख कर ही करे थे। तो हमारा 10 बजे का शो है जो कि है EDM पे, EDM PVR, जिसके अंदर डॉल्बी 7.1 है। मैं चाहता तो मेरे घर के पास भी एक सिनेमा हॉल है, मैं वहाँ पे भी जा सकता हूँ, लेकिन वो लोग जो टिकट है वो काफ़ी हाईली प्राइस में चार्ज करते हैं, ऊपर से जो उनकी जो साउंड क्वालिटी होती है और जो मतलब चीज़ें होती हैं ना, जो एक सीट कंफर्टेबल या फिर स्क्रीन की ब्राइटनेस, ये चीज़ें वहाँ पे सही नहीं है, ऊपर से वो नॉर्मल स्पीकर्स लगे हैं वहाँ पे, डॉल्बी 7.1 नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं EDM जाऊँ, क्योंकि ये लास्ट मूवी होने वाली है, मेरे ख्याल से लास्ट टीम अप होने वाला है एवेंजर्स का, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे एक अच्छे तरीके से इंजॉय करूँ। इसलिए मैंने PVR की सीट्स ली हैं जो है EDM गाजियाबाद में है, तो हम EDM जाएंगे, और अभी 10 बजे का शो है तो मैं जल्दी से रेडी होता हूँ और निकलता हूँ EDM के लिए। गाइज अभी मैं अपने क्लोज चेंज करता हूँ, तो अब सीधा मिलता हूँ आपको डायरेक्ट EDM पे, बाय। गाइज अभी हम आ गए हैं EDM, और अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि क्या होता है। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, मेरी जो टिकट है वो बुक्ड है, अब आगे देखो। हम यहाँ पे मुड़ रहे हैं अभी, और पूरा हॉल जो अभी खाली लग रहा है फिलहाल, लेकिन जहाँ पे थर्ड फ्लोर है जहाँ पे हमारा सिनेमा हॉल है, और ये हमारा दोस्त उत्कर्ष हमारे साथ है। हाँ भाई, एक्साइटमेंट कैसा है तेरा? बहुत ज़्यादा है। तो ये सीढ़ी आ गई है, अब हम ऊपर जा रहे हैं। चलो फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ। तो फाइनली हमने जो टिकट है अपनी ले लिया, उसको QR कोड स्कैन करके हम यहाँ पे अंदर आ गए हैं, और अभी डोर खुलने का वेट कर रहे हैं, और ये हमारे साथ उत्कर्ष पूती है।
तो अभी क्या टाइम हो रहा है? 9:49. अभी 9:49 हो रहे हैं, 10 बजे का शो है, तो अभी देखते हैं डोर कब खुलेगा. जैसे डोर खुलता है वैसे चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर क्या हो रहा है. और सबसे पहले नो स्पॉयलर्स, मैं कोई भी स्पॉयलर पोस्ट नहीं करूंगा. मैं बस जाऊंगा अंदर, मूवी देखने के बाद आपको बाद में मिलूंगा, इंटरवल में भी मिलूंगा और फिर मूवी देखने के बाद मिलूंगा. बाय. इस कमीने को खत्म करने का वक्त आ गया. वो 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 फाइनली मूवी खत्म हो चुकी है और हम बाहर आ चुके हैं. तो सबसे पहले तो मूवी बहुत सही थी, लेकिन अभी मैं मूड में नहीं हूँ क्योंकि बहुत सैड एंडिंग हुई है मूवी की. तो मैं आपको घर जाके पूरा रिव्यू दूंगा इसका और बताऊंगा क्या हुआ था. हेलो गाइज, मैं वापस आ चुका हूँ फिर से अपने घर पर. और मैंने ब्लॉग इसलिए कंटिन्यू नहीं करा क्योंकि मैं थोड़ा सा दुखी था, ऊपर से बहुत थक भी गया था. तो मैं घर पर आया, मैंने स्लीप ली थोड़ा सा, मैं एक घंटा सोया. उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँ, जो कि ये लास्ट पार्ट है व्लॉग का जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के स्पॉइलर फ्री रिव्यू की. तो मैं जस्ट आपको कोई मतलब एक बड़ा सा रिव्यू नहीं दूंगा, मैं बस आपको बताऊँगा कि क्या हुआ था और ये मूवी कितनी अच्छी है. और उसमें वीक पॉइंट्स तो मेरे को पता नहीं शायद, क्योंकि मैं ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मुझे कोई लगा नहीं वीक पॉइंट इस मूवी के अंदर. तो मूवी जो थी वो बिल्कुल एकदम बढ़िया थी. मतलब एक एक सीन मूवी का इतना अच्छी तरीके से बनाया गया था. मतलब सबसे पहले तो इस मूवी का 3D ऊपर से सिनेमाटोग्राफी वो बहुत ही अच्छी थी. मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसकी मूवी के अंदर ऐसे ऐसे सीन्स हैं. मतलब आप अगर अपनी एक्सपेक्टेशन लेके जाएंगे ना, उससे भी 20% ये मूवी आगे है. एक एक सीन, एक एक चीज़ इतनी अच्छी तरीके से दिखाई गई है, फिल्माई गई है. बस अगर आपने स्पॉइल ना करी हो मूवी तो वो अलग बात है. अगर आपने पूरी स्पॉइल कर ली है मूवी तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला. लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करी है ना, आप ऐसा न्यू कमर आप जा रहे हैं मूवी देखने, मतलब जैसे आपको कुछ पता नहीं है अभी, आपने मूवी बिल्कुल आपने टीवी स्पॉट्स देखे हैं बस, कोई स्पॉइलर नहीं देखा है, तो अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी लगेगी आपको मूवी. एक एक चीज़, एक एक मतलब एक एक सीन जो है वो इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है. तो एकदम बढ़िया मूवी है, 10/10 मेरी तरफ से है. बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मूवी कैसे लगी. और एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि हिंदी डब बेटर था या इंग्लिश? इन दोनों वर्जन में आपको क्या मतलब अजीब सा लगा? अगर आपको हिंदी डब पसंद आई तो क्यों आई, और अगर इंग्लिश डब पसंद आई तो क्यों आई? तो मैं अगर पूछूं मेरी तरफ से, जो हिंदी डब था मेरे हिसाब से ठीक था. वर्ड चेंजेस थे, बिल्कुल थे, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में थे. लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जो चीज़ आपको इंग्लिश में अगर एज इट इज़ एज पेश कर दी जाए तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा, वो फीलिंग नहीं आएगी. रेफरेंसेस देना इंडियन मूवीज़ के वो एक हद तक ठीक है, चल जाता है. लेकिन अगर इंग्लिश वर्जन को आप सीधा ऐसे डायरेक्टली डब करके पेश कर दोगे तो मतलब वो फील नहीं आएगा, वो आप उस मूवी के साथ वो कनेक्टिविटी बना ही नहीं पाओगे जो आप एक हिंदी वर्जन में बना लेते हो. आप काफ़ी कंफर्टेबल अपने आप को खुद को महसूस करते हो, ऊपर से आपको समझ आता है कि क्या हो क्या रहा है मूवी में. क्योंकि जो वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जो कि नॉर्मल पीपल को अंडरस्टैंड हो, जिनकी वोकैबुलरी इतनी तेज़ नहीं है, तो जो वर्ड्स हैं उनको आसान कर दिए जाते हैं ताकि लोग वो समझ सकें और अपनी चीज़ों को उनको समझ में आए और वो ठीक से एक्सप्रेस कर सकें. बाद में ऐसा ना हो कि उनकी मूवी ऊपर सर से ऊपर चली गई, ऐसा नहीं है. हिंदी डब में थोड़ा सा मसाला लगाया जाता है ताकि वो थोड़ी अच्छी लगे सुनने में भी, देखने में भी, हम उसको इंजॉय कर सकें, हम जो वहाँ पे सीन हो रहा है हम उस पर घुल मिल जाएं, इसलिए ये चीज़ें हो जाती हैं. तो मेरे तरफ से जो हिंदी डब था वो अच्छा था, बुरा नहीं था. जैसे कि डेडपूल 2 मूवी में, डेडपूल 2 का ट्रांसलेशन अच्छा था. रणवीर सिंह की डबिंग अच्छी नहीं थी, बट उन्होंने भी अपना पूरा ट्राई किया. वैसे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी उनकी, लेकिन तब भी जो ट्रांसलेशन थे वो सारी मूवीज़ के अच्छे होते हैं. मेरे ख्याल से एक्वामैन का भी अच्छा था. काफ़ी लोग कहते हैं कि एक्वामैन भी काफ़ी बकवास मूवी डब करी है, एंड शज़ाम भी बहुत अच्छी तरीके से डब करी गई है. तो ये जितने भी मूवीज़ आएंगी ये सारी अच्छी तरीके से डब करी जाती है. इन मूवीज़ को चटपटा दिया जाता है, एक मतलब क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा नमक थोड़ी मिर्ची लगाई जाती है ताकि वो फीलिंग आ सके जो कि हम मूवी देख रहे हैं. हम अपनी हिंदी में लैंग्वेज में देख रहे हैं मूवी, तो हमें वो अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए. जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको हिंदी में एज अ अच्छे से उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ट्रांसलेट कर दिया जाता है ताकि हमें फ्यूचर में या फिर जो स्टोरी हमारी चल रही है उसे समझने में कहीं प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए हमें ये दिया जाता है. तो गाइस फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो डब वीडियो में. तब तक के लिए बाय.